सुबह ये रही अपनी गाड़ी, ये चलती कम है और पंचर ज्यादा हो रही है आजकल ना। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग? आई होप काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, सब मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। भाई फिलहाल आज मॉर्निंग में यार मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया भाई, आज बहुत ज़्यादा काम था और फिलहाल अभी अपने को एक ओनरशिप रिव्यू करना है तो वही स्टार्ट कर रहे हैं। आओ गाइस कम ऑन, अभी ओनरशिप रिव्यू स्टार्ट करते हैं। किस गाड़ी का कर रहे हैं वो आपने थंबनेल से देख के आइडिया लगा ही लिया होगा। जी हाँ बिल्कुल वही गाड़ी है, लेट्स गो गाइस। सो फाइनली गाइज आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ग्रैंड i10 नियोस का और ये है अपनी सेकंड व्हीकल। भाई आप देख सकते हो ये कुछ रात में इसका इस तरीके का इंटीरियर लगता है। ये अपना स्टेयरिंग में माउंट कंट्रोल्स वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पर और ये इसका एक छोटा सा MID आता है। इसके बाद भाई किलोमीटर्स की बात करूँ तो भाई गाड़ी अभी चल चुकी है 14,500 किलोमीटर्स, आप देख सकते हो और एक छोटी गाड़ी की तरह अगर आप इसको सिटी ड्राइव वगैरह में यूज़ करना चाहते हो तो भाई मेरे को तो ये बहुत ही परफेक्ट व्हीकल लगता है और काफ़ी सारे फीचर्स के साथ। और ह्यूंडई जो रफ एंड टफ काइंड ऑफ व्हीकल्स डिलीवर करता है ना तो भाई ये सारी स्टेजेस पे सारी चीज़ों पे काफ़ी प्रॉमिसिंग होती उतरती है। तो एवरेज की अगर बात करूँ तो भाई ये गाड़ी आपको वही 11 से 12 का माइलेज देगी और अगर हाईवे पे आप लेके जाते हैं जो कि आप शायद नहीं लेके जाएं बिकॉज़ ये हैचबैक गाड़ी है और जनरली ये यू नो सिटी ड्राइव के लिए या छोटे मोटे रूट्स पे ही यूज़ ज़्यादा होती है। बाकी अगर आप फिर भी हाईवे वगैरह पे यूज़ करना चाहते हैं लेके जाएंगे तो भाई गाड़ी आपको 15 से 16 का माइलेज क्लेम करती है। मैंने अभी ये गाड़ी मैं वैसे ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स ही इसको यूज़ करते हैं और अपनी बात करूं तो मैं फ़िलहाल इसको लास्ट टू लास्ट एक बारी सोनीपत की साइड लेके गया था तो तब मैंने इसका हाईवे पे माइलेज चेक किया था, अराउंड 15.5 समथिंग का इसने दिया था। और इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द ड्राइविंग स्किल्स, आपके जो ड्राइविंग स्किल्स हैं उसके हिसाब से भी है बिकॉज जनरली मैं एवरेज के हिसाब से व्हीकल ड्राइव नहीं कर रहा था तो भाई हो सकता है ये उससे भी ज़्यादा दे, बट मुझे जो इसने दिया वो मैंने आपको शेयर किया। और ये गाड़ी अगर इस गाड़ी के मॉडल वगैरह की बात करूँ तो भाई ये है 2020 मॉडल और अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई ख़ास चेंजेस नहीं हुए हैं जो भी नया मॉडल आ रहा है क्योंकि ये उसी समय बिल्कुल लेटेस्ट और नया मॉडल आया था ग्रैंड i10 नियोस। और लुक्स की बात करें तो वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसके लुक्स हैं। फिलहाल भाई अगर इसकी स्टेबिलिटी कंट्रोल की बात करूं तो मैं अराउंड 50 की स्पीड पे चल रहा हूं जो कि कोई ख़ास ज़्यादा स्पीड नहीं है और एक नेशनल हाईवे पे ही हूं और फिर भी फ़िलहाल अभी एक सब रोड पे हूं नेशनल हाईवे की, बट काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है गाड़ी की और 1200 cc का इसमें इंजन अपने को मिलता है। सो गाइस ये है गाड़ी का फ्रंट लुक, फ्रंट से अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी का कुछ इस तरीके से, अभी तो वरना का इन्होंने लुक चेंज कर लिया लेकिन उस समय जब ये आ रहा था तो वरना और इसका एकदम सेम ही लुक था फ्रंट से। और ये है भाई इसका साइड लुक इस तरीके का। अभी चलते हैं इसका बैक लुक दिखाता हूँ आपको, हैचबैक गाड़ी है और फ्रॉम बैक कुछ इस तरीके की दिखती है, काफ़ी क्यूट सी और काफ़ी अच्छी सी गाड़ी है, एकदम ज़बरदस्त। ये देखो भाई वेरियंट कौन सा है और कितने की एग्जैक्टली ऑन रोड आजकल पड़ रही है वो सारी डिटेल्स मैं आगे व्लॉग में आपको बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए अभी इसको वापस से ड्राइव करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं।
सो भाई अब बात कर लेते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट वगैरह की। तो भाई ये कुछ इस तरीके की इसमें सीट्स आपको मिल जाती हैं, ये आपको नहीं मिलता यहाँ पर। और स्टेयरिंग का एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा इसमें, बट टेलीस्कोपिक नहीं है, मतलब टिल्ट है बट टेलीस्कोपिक नहीं है। वो अभी मैं आगे व्लॉग में भी करके दिखा दूंगा। और ये है गाइस इस तरीके से, ये इसकी बैक सीट्स हैं। बैक सीट में अगर स्पेस की बात करूं, तो भाई बैक सीट के अंदर स्पेस वगैरह इतना ही इसमें मिलता है, क्योंकि एक हैचबैक गाड़ी है तो भाई ज़्यादा स्पेस वगैरह मिल नहीं पाता, ज़्यादा लेगरूम मिल नहीं पाता। और ये अभी ना सीट आप देख सकते हो, सीट मैंने बिल्कुल ये ना पीछे करी हुई है, बिल्कुल सीट पीछे आई हुई है। अगर आगे करेंगे थोड़ा सा तो लेगरूम मिल जाएगा। और ये हेडरूम इसमें मिल जाता है थोड़ा सा, फिलहाल कुछ इस तरीके का है ये कंफर्ट। मैंने पहले ही बताया भाई, गाड़ी देखो सिटी ड्राइव के लिए है, लॉन्ग टूर्स के लिए आप इसको मतलब कैसे कंपेयर कर सकते हो। और ये भाई चारों डोर्स के अंदर पावर विंडो आपको मिल जाता है। सो ये देखो गाइज, ये चारों डोर्स के लिए आपको यहाँ पर पावर विंडो का पूरा आगे ड्राइवर सीट के साथ कंट्रोल मिल जाता है, ये चाइल्ड लॉक वगैरह मिल जाता है आपको। और इधर से ये आपका यहीं से मिरर एडजस्टमेंट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मिरर एडजस्टमेंट। और गाइज इसी के साथ ये भाई डोर लॉक और अनलॉक के लिए यहाँ पर बटन दिए हुए हैं। ये देखो भाई, ये आपने देखा ये लॉक हो गया, ये अनलॉक। फिलहाल अभी चलते हैं इसको थोड़ा ड्राइव करके देखते हैं, फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं और ड्राइव करके देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और ये देख रहे हो भाई इसका ये डैशबोर्ड का ये जो है ना भाई, ये टेक्सचर फिनिश जो है ना भाई, बहुत प्यारा लगता है भाई। और अब इसको ड्राइव करते हैं फटाफट। सो गाइस गाड़ी का इनिशियल पिकअप वगैरह चेक करते हैं। ये गाड़ी उठ गई है भाई, ऑटो डोर लॉक हो जाते हैं गाड़ी उठते ही, मतलब कि चलते ही। तो ये देखो भाई अराउंड अराउंड ठीक ठाक सी 50 के आसपास की स्पीड हमने कैप्चर कर ली थी, जो कि काफ़ी है यार। देखो सिटी ड्राइव के हिसाब से एक अच्छा खासा पिकअप है, क्योंकि 1200 सीसी का इंजन है। तो भाई आपको पिकअप वगैरह के लिए और मतलब जनरल ड्राइव में आपको कोई इशू नहीं आने वाला, ड्राइविंग कम्फर्ट पूरा है भाई गाड़ी के अंदर। स्टेयरिंग की भी अगर बात करूँ तो भाई आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग है तो कोई इतना हार्ड नहीं है, इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। बाकी इधर ये माउंट कंट्रोल्स हैं इसके, तो यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। ये टिल्ट हो जाएगा बट टेलीस्कोपिक नहीं है, मतलब बाहर की तरफ नहीं आएगा। तो इसको अभी ठीक कर देते हैं और अभी चलाते हैं आगे गाड़ी को। भाई आप देख ही सकते हो अच्छा खासा मतलब गाड़ी अपना स्पीड मेंटेन कर लेती है, अपना मोमेंटम मेंटेन कर लेती है। और जनरली ना हैचबैक के अंदर थोड़ा सा एक कंप्लेंट आता है कि भाई गाड़ी बहुत जल्दी हिलती है, थोड़ी स्टेबिलिटी इशू आते हैं हैचबैक गाड़ियों में, बट इसमें वो चीज़ नहीं है भाई। इसका ये तो या तो डिज़ाइन ऐसा इन्होंने बनाया हुआ है फ्लूडिक, तो भाई इसमें वो इशू नहीं है, ये पूरी स्टेबल गाड़ी है एकदम, मतलब आप बिंदास होके इसको चला सकते हैं, इसमें कोई ऐसा आपको इशू नहीं आने वाला है। थोड़ा सा यार देखो, अगर लॉन्ग ट्रिप में जाते हैं तो भाई जैसे मैं सोनीपत गया था तो मेरे को थोड़ा सा भाई सीटिंग डिस्कम्फर्ट तो लगा ही था, सीटिंग इसकी इतनी कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज़ यार वो देखो अब हैचबैक गाड़ी है, अब उसमें वो अपने कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी बेस्ट है यार, काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी प्रॉमिसिंग लगने वाली है। सो गाइज़ अभी इसके एसी वगैरह की बात कर लूँ, एसी के कंट्रोल्स की, तो भाई इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो नहीं है इस वाले मॉडल में, बट इसके जो टॉप एंड वेरिएंट है उसके अंदर ये बिल्कुल आता है। और इसका जो एसी है देखो, मैंने एक पे ही चला रखा है फर्स्ट पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर देता है यार, काफ़ी यार हैचबैक गाड़ियों में वैसे भी एसी काफ़ी पावरफुल होते हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि गाड़ी भी उतनी बड़ी नहीं होती है तो काफ़ी इजीली कूल हो जाती है, काफ़ी बेटर है भाई एयर कंडीशनिंग। ये कुछ भाई स्टेयरिंग पे जो इसके माउंटेड कंट्रोल्स हैं, ये फॉर वॉइस हो गया, ये फ़ोन कॉल के लिए है, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट हो जाता है। बाकी एयरबैग इसके अंदर आते हैं, एक एयरबैग यहाँ पर है, एक एयरबैग इधर की साइड है भाई, ये देखो ये दो एयरबैग तो मेरे को पता है, बाकी और भी हो तो पता नहीं। सो गाइज ये भाई ये देखो, ये रियर एसी वेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ ये भाई इसमें इलेक्ट्रॉनिक ये चार्जिंग वगैरह के लिए ये एक दिया हुआ है सॉकेट यहाँ पर,
और बाकी तो ये पावर विंडो वगैरह है ही, आप देख ही सकते हो। फिलहाल भाई गाड़ी की रनिंग की अगर बात करूं तो भाई देखो माइलेज वगैरह तो मैंने आपको शेयर कर ही दिया है जो उसका माइलेज है। बाकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब चलाने में बहुत इजी टू ड्राइव है यार, काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस आपको देती है और आपको कहीं से भी मतलब लैग फील नहीं होता। जितना आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं ना गाड़ी में, उस हिसाब से काफ़ी प्रॉमिसिंग है। और उसके बाद इसका रीसेल भी काफ़ी अच्छा है भाई। रीसेल के लिए अगर आपके पास ये गाड़ी है, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप बहुत जल्दी उसको इजीली रीसेल कर सकते हैं और विद इन ए गुड प्राइस रेंज, मतलब काफ़ी अच्छे प्राइस पे आप इस गाड़ी को रीसेल कर सकते हैं। तो भाई कुछ ऐसी लगती है गाड़ी फ्रॉम बैक। और इसका भी बूट स्पेस वगैरह चेक कर लेते हैं, आपको बूट स्पेस चेक करा देता हूँ भाई। ये इसका बूट स्पेस है जो कि आपको ईज़िली मतलब जो भी मार्केट से आपका शॉपिंग वगैरह है, बैग्स है, या ईज़िली ट्रैवल भी कर रहे हो तो एक दो बड़े बड़े लगेज आपके ईज़िली इसके अंदर आ जाएंगे। और फिलहाल अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो भी अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, आपको एज सच कोई रोड पे इशू आने नहीं वाला। सो गाइस ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आप चेक कर सकते हो भाई, एक नॉर्मल हैचबैक गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है उतना ही ग्राउंड क्लियरेंस इसका भी है, और काफ़ी बेटर है यार, इतना जल्दी नीचे लगती नहीं है। शेप आगे से थोड़ी ऐसी है कि वो लगता है कि भाई नीचे लगेगी, बट लगती नहीं है भाई। सो क्योंकि भाई यहाँ पर ये फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए यहाँ पर आपको फीचर दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर इन्होंने माइक दिया हुआ है, यहाँ से आपका वॉइस इजीली ब्लूटूथ के थ्रू मतलब आप फ़ोन कॉल अटेंड कर सकते हो। बाकी डोर के साथ बात करूं तो भाई इधर आपको इजीली एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, आप 1 लीटर के आसपास का बॉटल इजीली यहाँ डोर के साथ कैरी कर सकते हैं। सेम स्पेस आपको इस तरफ भी मिलता है और पैक डोर्स में भी मिलता है। और मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से आराम से बैठा हूँ, कोई इशू नहीं है गाइज इसकी बैक सीट्स में। अभी मेरे साथ यहाँ पर और 2 बंदे आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और मेरी बात करूँ तो गाइज आपको पता ही है मेरी अराउंड 6 फीट के आसपास हाइट है, तो भाई मेरे जैसा बंदा यहाँ बैठा है तो और मेरे जैसे 2 बंदे यहाँ पर ईजिली बैठ सकते हैं, तो 3 लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं बैक सीट में। आगे के 2 तो वही 5 सीटर गाड़ी ही है हैचबैक के अंदर, इसलिए ये काफ़ी अच्छी सेगमेंट में गाड़ी मेरे को लगती है पर्सनली। सो ये भाई गाड़ी के अंदर ना DRLs दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो, ये इस वेरिएंट में आते हैं। सो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं, और यार अभी बात कर लेते हैं जो ओनरशिप रिव्यू हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं भाई। गाड़ी अपनी जो है ना वो पूरी वैल्यू फॉर मनी है भाई, ये i10 ग्रैंड नियोस। i10 पहले भी यार Hyundai का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यू नो व्हीकल रहा है, और इसके कंपैरिजन में जो अदर गाड़ियां हैं भाई देखो, इसके कंपैरिजन में मारुति का स्विफ्ट आता है, तो भाई स्विफ्ट जो है ना अगर आप एवरेज के टर्म्स में बात करो तो गाड़ी भाई इससे ज़्यादा बेटर है, एवरेज मारुति का बीट नहीं कर सकता भाई। Hyundai की गाड़ियों में एवरेज उतना नहीं मिलता, ये कंसर्न रहता ही है, और मारुति की गाड़ी का एवरेज ये बीट कर ही नहीं पाएंगे। इसके बाद गाइस अगर हम बात करते हैं सेफ्टी रेटिंग्स की, तो भाई इस गाड़ी का जो सेफ्टी रेटिंग है वो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट जो मैंने मतलब ड्यूरिंग द परचेज जब इसका मैंने पूछा था तो शायद उन्होंने बोला था 2 है शायद इसका सेफ्टी रेटिंग वगैरह, और इंटरनेट पे भी शायद यही शो करता है, फिलहाल मैं चेक कर लूँगा, अभी मैंने किया नहीं है। तो 2 सेफ्टी रेटिंग है इसका, वो एक कंसर्न है, बट क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि भाई ये मैंने सिटी पर्पज़ के लिए जस्ट लिया है कि लोकल फ्रॉम होम टू मार्केट, मार्केट टू होम, और छोटा मोटा हेयर एंड देयर, मतलब कोई हाईवे तक भी नहीं जाना भाई, ओनली मतलब अंडर द सिटी, इन द सिटी, मतलब बस यहीं तक है, तो उससे ज़्यादा आगे मैं उसको कभी लेके भी नहीं जाता, इतना चलाता भी नहीं हूँ, तो भाई इसलिए मेरे लिए वो कंसर्न नहीं था। मुझे चाहिए था एक थोड़ा सा प्रीमियम व्हीकल हो, और थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, और इजी टू ड्राइव हो, तो वो तीनों चारों चीज़ें मेरी इसमें मैच कर रही थी। और मेन पॉइंट एक ये भी है कि भाई Hyundai की और भी दूसरी गाड़ी में क्रेटा भी यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको पता ही है यार उसके साथ में एक ट्रस्ट बिल्ड हो रखा है, और कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने Hyundai प्रेफर किया, Hyundai का ही लेना प्रेफर किया। क्योंकि देखो भाई गाड़ी आप शोरूम से ना 1 टाइम लेते हो, शोरूम का काम बस वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ब्रांड का काम और आफ्टर सेल सर्विस ये ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं, और Hyundai के साथ ना भाई मेरे को आफ्टर सेल सर्विस में कभी भी इशू नहीं आया। Hyundai एकदम प्रॉपर प्रॉमिसिंग सर्विसेज उन्होंने हमेशा डिलीवर की हैं, टाइमली मैनर पे वो लोग फॉलोअप्स भी कर लेते हैं, गाड़ी भी खुद ही लेके जाते हैं, सर्विस करके दे जाते हैं, मतलब एक कस्टमर ओरिएंटेड यू नो एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने ये भी प्रेफर किया था। और
बस यही कहना चाहूँगा गाइज कि आफ्टर 14,500 किलोमीटर्स ड्रिवन एंड आफ्टर अराउंड 3 ईयर्स, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स इसको कंप्लीट हो रहे हैं, तो 3 साल के बाद भाई गाड़ी में कोई इशू नहीं है, टच वुड, और काफ़ी बढ़िया है भाई, मोर देन सेटिस्फाइड हूँ, तो सही है भाई। जो मतलब मेरा जो पर्सनल पर्पस था ना भाई वो पूरा होता है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आप सेफ्टी रेटिंग्स पे ज़्यादा गौर करते हैं, सेफ्टी रेटिंग आपका मेन कंसर्न है, आपको हाईवे ड्राइव या मतलब कुछ भी अगर आप करना है, अगर सेफ्टी रेटिंग आपका कंसर्न है, तो भाई आप टाटा की तरफ जा सकते हो। टाटा पंच वगैरह जो आती हैं वो इसी के सेगमेंट में, और वो काफ़ी अच्छी सेफ्टी रेटिंग्स डिलीवर करती हैं। एवरेज अगर आपका कंसर्न है तो भाई मारुति की गाड़ी स्विफ्ट आती है, उस पर आप स्विच कर सकते हो। बाकी भाई इसके ऑनरशिप रिव्यू आपको ऑलमोस्ट मिल चुका होगा कि मैं क्या आपको मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ, वो आपको पता लग ही गया होगा। और फिलहाल अब भी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, और आपको पता ही है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करें, आपके सब्सक्रिप्शन बढ़ने से अपने को भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और इसी के साथ गाइज अपनी इंस्टा आईडी कीपिंग योर लाइफ 05 भाई जल्दी से जाके भाई वहाँ पर फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट वहीं पर आते हैं। और इसी के साथ गाइज हम लोग टोटली कनेक्टेड फील करते हैं। तो गाइस मिलता हूं दोबारा आपसे कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए व्लॉग में। टिल देन स्माइल।